सभी सांसदों को, 18 दलों के सांसदों को आज मार्च करने पे मजबूर होना पड़ा। हम देश की सरकार तक और देश की आवाम तक आवाज़ उठाना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया जिसमें लाखों निवेशकों के पैसे डूब गए देश में। LIC के 44,000 करोड़, SBI के हजारों करोड़ और निवेशकों के 10 लाख करोड़ से ज़्यादा जिन्होंने अदानी समूह में इन्वेस्टमेंट किया था। और उसका कारण ये बताया गया कि एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसमें ये स्पष्ट कहा गया कि भारत की तमाम प्रदेश और देश की भाजपा सरकारों द्वारा इस पर्टिकुलर औद्योगिक समूह को इनको रियायतें दी गई, सहूलियतें दी गई और एक भ्रष्ट तरीके से उनको फ़ायदा पहुँचाया गया। इसको लेकर संपूर्ण विपक्ष ये मांग कर रहा है कि इसकी जांच हो ताकि तह तक पहुंचा जा सके, इसमें क्या हम गलत हैं। लेकिन ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जो हमारी मांग है, देश में पनपते भ्रष्टाचार के संबंधित हमारी मांग है, उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए राहुल जी की स्पीच का मुद्दा बनाया गया, जबकि कोई उस स्पीच में इस प्रकार की कोई बात थी नहीं। ये सरकार का आज के दिन अलोकतांत्रिक रवैया है। इसको लेकर संपूर्ण विपक्ष, 18 दल, सभी सांसद आज यहाँ पर हम देश की जनता के सामने गुहार कर रहे हैं।